beginning with the case of your error analysis beta. Error analysis क्या है और error analysis में भी बेटा हम prominently सबसे पहले तो बात करेंगे कि errors की types कौन सी हैं, then एक numerical मैं solve करता हूँ आपको थोड़ा guide करने के लिए कि absolute error वगैरह हम जो है mean absolute error, relative and fractional percentage error किस तरीके से workout की जा सकती है. सो पहले तो ये कंसंट्रेट करें कि एरर होता क्या है बेटा. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एरर और एरर्स हमारी कितनी टाइप की हैं बेटे. एरर की जब भी हम बेटे बात करते हैं तो ये आपका मेजर्ड वैल्यू जिसका आपने मेजरमेंट किया है रिजल्ट को, मेजर किया है आपने, रिजल्ट ड्रॉ किया है मेजरमेंट कंप्लीट करने के बाद, और एक आपके पास एक्चुअल वैल्यू गिवन है उस फिजिकल क्वांटिटी का. जैसे स्मॉल जी है, स्मॉल जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें पता है. और आप लास्ट टाइम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म कर रहे थे, इमेजिन कर लीजिए आपने वैल्यू इसकी निकाल ली है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपका एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो भी फर्क आ रहा है दैट वी विल बी कॉलिंग एज अ एरर बेटा. सो आप एरर को बेटे डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो एरर है, एरर बेटे जो है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड the actual or true value of a physical quantity beta, of a physical quantity. अब बेटी error आपकी basically तीन type की होती है. First we come across beta systematic error. Secondly, we come across with a random errors with a random errors. And third, हमारे पास with the gross error या errors भी आप कह सकते हो. This is the third type. First, आपका जो टाइप है सिस्टमेटिक एरर, थोड़ा नाम से हमें बेटे इसका एस्टीमेट हो जाता है कि ये आपके रिजल्ट्स में, आपके मेजरमेंट्स में, आपकी कैलकुलेशंस में एक सिस्टमेटिक वे में एंटर कर जाती है. और ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न में क्योंकि एंटर करती है, इसका जो कॉज है बेटा दैट इज नोन टू अस, इसकी रीजन का पता होता है. मे बी आपका जीरो एरर हो जाए, आपने लास्ट टाइम किया भी था लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर आपने समझा था डिटेल में, तो मे बी आपका जीरो एरर हो जाए. आप उस जीरो एरर को बेटा आफ्टर अप्लाइंग द जीरो करेक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि बिकॉज आपको कॉज नोन है, आपकी जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं बेटा दीज कैन बी एलिमिनेटेड, आप इनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो सिस्टमेटिक एरर्स को. और आप इनका रीजन जानते हैं और ये एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक पैटर्न में आपके रिजल्ट्स में एंटर करती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बेटा जीरो एरर है, मे बी आपके वर्नियर का हो जाए, मे बी आपके स्क्रू गॉज का हो जाए. सेकेंड हमारे पास है रेंडम एरर्स बेटा. रेंडम जैसे वर्ड रैंडम हमें एस्टीमेट इससे हो जाता है कि ये वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर्स हैं बेटा जिनका हमें कोई नहीं पता, रीजन नहीं पता, अननोन कॉजेज की वजह से आपकी कैलकुलेशंस आपके रिजल्ट्स में एंटर कर जाया करती हैं. और बिकॉज आपको इनका कॉज नहीं पता,
रैंडम एरर का, तो अगर आपको कॉज नहीं पता है तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाते। आप जितनी भी इसकी वैल्यू है आप उसको मीन बार बार डिफरेंट रीडिंग्स लेकर मीन लेकर थोड़ा उसको आप बेटा इम्प्रूव तो कर सकते हैं बट कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाते जैसे यहाँ पे कर पा रहे थे। और जो ग्रॉस एरर्स हैं बेटा, दीज आर बेसिकली ड्यू टू द पर्सनल केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर वो पर्सन केयरलेस है देन आपकी जो ग्रॉस एरर्स हैं दीज विल कम इनटू द कैलकुलेशंस और द पिक्चर्स और इन द रीडिंग्स एज सच। सो बेसिकली एरर्स को आप बेटा एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इनके बीच में डिफरेंस को आप एरर बोलोगे, और एरर की ये तीन टाइप्स को आप अपने माइंड में रखोगे। एक बेटे और हमारे यहाँ एरर्स के साथ रिलेटेड छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज बेटे एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, देन बेटा फ्रैक्शनल एरर क्या है एंड परसेंटेज एरर क्या है। आइए इनके बारे में भी वन बाय वन बात करके देखें। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है। सेकेंडली हमारे पास है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या चीज है। थर्ड हमारे पास है बेटा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल या इसको बेटे आप रिलेटिव एरर भी कह देते हैं, रिलेटिव एरर। एंड फोर्थ वन आपके पास है परसेंटेज एरर। इनके बारे में बेटे वन बाय वन हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी एरर्स हैं, कैसे हम बेटे इनके साथ सारे का सारा अपना सिस्टमेटिक वे में बेटे वर्क कंप्लीट कर पाए। इमेजिन कर लीजिए आप कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो जिसकी ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता। छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बेटे आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर रहे हो, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। पहली बार जब आपने रीडिंग ली आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है जो पानी का, इट टर्न्ड आउट टू बी 1.31 म्यू 1 की वैल्यू आपकी आ गई पहली मेजरमेंट में। सेकंड मेजरमेंट में आपकी वैल्यू 1.30 आ गई, दो बार आपने मेजर किया। जब तीसरी बार जब आप मेजरमेंट करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का आपका 1.34 आ गया। चौथी बार आपने रीडिंग इसका नोट किया म्यू 4 जो है आपका 1.34 ही निकला, इमेजिन कर लीजिए। एक रीडिंग आपने और लिया म्यू 5 आपका जो है 1.29 इतना आ गया। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.33 के बराबर हुआ करता है, दिस इज वेल नोन टू अस। अब आपका एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट में आपके पास डेल्टा म्यू 1 को आप बेटे बोलोगे एब्सोल्यूट एरर पहले मेजरमेंट में, किसके बराबर होगा आपका ये एक्चुअल वैल्यू 1.33 है, मेजर्ड वैल्यू 1.31 है, राइट। ये बन गया 0.ये बन गया बेटा, चेक करिएगा इनका डिफरेंस ले लिया हमने, ठीक है। देन इसी पैटर्न पे एब्सोल्यूट एरर इन द सेकंड रीडिंग, सेकंड मेजरमेंट, इसको आप डेल्टा म्यू 2 बोलोगे बेटा, डेल्टा म्यू 2 विल बी 1.33,
सेकंड रीडिंग आपने 1.30 निकाल रखा है, इट विल बी देयर, सो इट विल टर्न आउट टू बी 1.03 बेटा। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड रीडिंग, डेल्टा म्यू 3 कितना आ जाएगा, ये आपके पास 1.34 है और आपका मेजर्ड वैल्यू 1.33 था, इसको आपने माइनस किया, -0.01 आपका आ गया बेटा। देन आपका फोर्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू 4 1.33 आपका एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू 1.34 आपने सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज -0.01। देन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिफ्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग जब आपने ली इट इज 1.29, 1.33 माइनस 1.29 ये बन गया 0.04 बन जाएगा बेटा। सो बेटे एब्सोल्यूट एरर आपका हरेक रीडिंग में जो आ रहा है वो बेटे आपकी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इनके डिफरेंस को आपने कैलकुलेट करके लिख लिया और आपको सारी वैल्यूज मिल गई। डेल्टा म्यू 1 हम इनको सेपरेट करके लिख लें अगर 0.02, डेल्टा म्यू 2 ये 0.03, डेल्टा म्यू 3 0.01 नेगेटिव का, डेल्टा म्यू 4 अगेन नेगेटिव का 0.01, डेल्टा म्यू 5 ये 0.04 के बराबर आ गया, राइट बेटे। मान लीजिए आपके पास अगर एक्चुअल वैल्यू ना होता फिर क्या करते हम, फिर हमने इन सब का मीन लेना था, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 म्यू 5 इनका मीन लेकर हम उस मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं और उसमें से फिर आप अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज को माइनस करके एब्सोल्यूट एरर निकाल लोगे। हमेशा याद रखिए बेटे सारी क्वांटिटीज ऐसी नहीं होगी जिनका आपको एक्चुअल रिजल्ट पता होगा, एक्चुअल वैल्यू पता होगा। अगर एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इनका सबका मीन ले लीजिए, वो मीन वैल्यू को आप एज द ट्रू वैल्यू ट्रीट करके सारा कंप्लीट कर सकते हो, राइट बेटा। देन इसके बाद आपके पास बात आ जाती है सेकंड पैरामीटर है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेट अस ट्राई टू फोकस अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना है बेटा। मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी आप निकालते हो तो ये इन एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड्स का मीन आप निकालोगे, साइन नहीं लोगे साथ। आई मीन टू से दैट डेल्टा म्यू ये आपके पास मीन आ जाएगा जो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2 प्लस सो ऑन डेल्टा म्यू 5 डिवाइडेड बाय बेटा 5, ये चीज आपके पास आ गई। जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मैग्नीट्यूड लो पहले, साइन छोड़ दो, देन उनका मीन ले लो। तो ये आ गया 0.02 पहली रीडिंग थी आपकी, सेकंड वाली 0.03, थर्ड वाली 0.01 मैग्नीट्यूड ले रहा हूं सिर्फ, फोर्थ वाली 0.01 अगेन मैग्नीट्यूड वाइज एंड फिफ्थ वन इज 0.05 डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय बेटा 5, ये बन जाएगा 0.12 बाई 5 बना, जरा चेक करिएगा है ना बेटा। हाँ कैसे, अच्छा ये 4 है, ओके ओके, अगर ये 4 है तो फिर ये 11 रह जाएगा है ना बेटा, ठीक है जी। सो ये फिर आपके पास बन गया 0.01
जीरो टू अगेन टू है ना, ये आपके पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा। और आप इसको ऐसे बार डाला करते हो बेटा, डेल्टा म्यू मीन ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड तो है ही है साथ आपके। इसके बाद आपके पास बेटे बात आ जाती है फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर की। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिलेटिव एरर या बेटा फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, हाँ जी बेटे जब हम ये करते हैं ना, इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ, हमने साइन नहीं लिया। अदरवाइज फिर क्या होगा कि कई केसेस में आपकी नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो ही आ जाएगा, एरर आएगा ही। सो दैट इज व्हाई वी व्हेन कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा, तो आप इस तरीके से कर लेते हो। हाँ, इसको डिनोट एक और तरीके से भी आप कर सकते हो। आप इसको मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी आप मैग्नीट्यूड ही क्योंकि ले रहे हो, आप इसको डेल्टा म्यू बार मीन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो लाइन्स तो आपने वर्टिकल डाल दिए थी मैग्नीट्यूड इंडिकेट करने के लिए, अदरवाइज अगर आप नहीं भी डालोगे तो इट ऑलरेडी मींस कि ये मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो, राइट बेटा। फ्रैक्शनल एरर की बात करें, अगर हम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर भी कह देते हैं, इट इज बेटे डेल्टा म्यू मीन बार जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ट्रू वैल्यू है आपकी। सो ये आपके पास बेटा बन गया 0.022 डिवाइडेड बाय 1.33 बेटा। जब भी आप परसेंटेज एरर की बात कर देते हो बेटा, परसेंटेज एरर का मतलब होता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फ्रैक्शनल एरर 0.022 डिवाइडेड बाय 1.33 है, इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास में 2.2/1.33 आ जाएगा, है ना बेटे। तो इट विल रिजल्ट इनटू 1% आपका एरर आ जाएगा आपके मैयर में। सो आप इस तरीके से बेटे अपना जो एरर है इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी आगे टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, फ्रैक्शनल एरर हो गया, रिलेटिव एरर हो गया एंड परसेंटेज एरर हो गया, ये सारा आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसा आपको क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, यू आर टू बी वेरी केयरफुल। चले आगे अब बेटा, अब बेटे देखिए एरर की बात हम कर रहे थे डिटेल में, एरर क्या होती है, टाइप्स क्या है, आपने एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर सारा डिस्कस किया। इस तो सबसे पहले देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन में हम जानेंगे कि इस केस में बेटे अब हम बात करेंगे आगे चल के, हमारे पास बेटा नेक्स्ट है एरर्स प्रोपेगेट कैसे करती हैं, प्रोपेगेशन ऑफ द एरर्स। आप एरर्स की बात कर रहे थे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, एरर्स मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट एड या पावर्स जब हम निकालते हैं, इन सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर बेटे कैसे प्रोपेगेट होती हैं। वी आर टू फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे भी आपको काफी कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। इमेजिन कर लीजिए हम सबसे पहले बेटे सम की बात करें, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द सम,
इमेजिन कर लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है, एक्स को ही आपका ए और बी को ऐड करके रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है, ए और बी आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा। इसमें मान लीजिए डेल्टा ए जो है इट इज एब्सोल्यूट एरर इन ए और इन द मेजरमेंट ऑफ ए भी कह सकते हो आप, एंड डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा एक्स इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स बेटा। इसको हम इक्वेशन नंबर वन फॉर द टाइम बीइंग बोल देते हैं। अब आपने क्या किया कि इसी रिजल्ट को विद एब्सोल्यूट एरर लिमिट्स लिख दिया, आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये चीज आ जाएगी बेटा। हम अगर इसको और इसको रिजल्ट को फर्दर एनालाइज करके देखें तो इस ब्रैकेट को अगर आप बेटे एलिमिनेट कर दोगे हटा दोगे, आपके पास आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी बना बेटा। जरा चेक करिएगा बेटा, ऐसा ही है, सिंपल एडिशन है, हम ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अब आप इन टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, दिस इज ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया जी। इक्वेशन नंबर वन को यूज कर लीजिए, यहां पे ये आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा बेटा और आपके पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये चीज बेटे आपके पास जो है बन गई। एरर्स आपकी समेशन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज में इस तरीके से प्रोपेगेट करेंगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर के लिए आपके पास डेल्टा एक्स जो है दिस इज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इतना आपका बेटे मैक्सिमम एरर जो है ए और बी इनकी वैल्यूज में ऐड करके आपको एक्स का एरर जो है एब्सोल्यूट वो मिल जाएगा। इसको जरा चेक करिए और बताइए, कोई आपको पॉइंट अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर आगे चलें बेटा, आगे इसको सारे को कंटिन्यू कर लें बेटा। राइट, वैसे तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, सिंपल स्टेप्स हैं, चलें आगे। फिर आइए इसके बाद हमारे पास है बेटा प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज, लेट अस फोकस अपॉन दैट, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस बेटा। सेकंड इज डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटीज का, जब आप लोगे तब एरर्स कैसे प्रोपेगेट करेंगी, लेट अस कंटिन्यू विद दिस बेटा पॉइंट। इसमें इमेजिन कर लीजिए आपका एक्स जो है दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी है, जैसे आप ऑलरेडी कह चुकी हो बेटा, लेट अस अज्यूम दैट डेल्टा ए जो है इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी बेटा, राइट, एंड डेल्टा एक्स इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स बेटा। आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह सकते हो।
इक्वेशन नंबर वन को अब आप इसकी परमिसिबल एरर्स लिमिट्स के साथ लिख दीजिए. इट विल बी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी बेटा, ये आ गया. आप अगेन इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी आ गया. ये माइनस साइन पहले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा, फिर ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, राइट बेटे. सो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बन गया जी. ए और बी को हमने क्लब कर लिया, कंबाइन कर लिया, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ये चीज आपके पास बन रही है, चेक करिएगा. इक्वेशन नंबर वन को यूज कर लो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. एक्स से एक्स आपका कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. ये आपके पास प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द डिफरेंस है. मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे अगर आप, तो दैट इज प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर एसेट्स निकल आएगा, राइट बेटा. चले आगे देन. इसके बाद बेटे आपके पास बात आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज की, कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट आप ले रहे हो, वहां पे एरर्स कैसे प्रोपेगेट करती है. लेट अस डिस्कस इट एज प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज. इमेजिन कर लीजिए आपका एक्स जो है इट इज इक्वल टू ए इंटू बी है, और आपने इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया. अगेन आप वैसे ही रिपीट करोगे, डेल्टा ए आपका जो है इट इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, डेल्टा एक्स इज योर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. आप लगाओगे एक मिनट बेटे, इससे देखोगे करके खुद, देखिए सारे स्टूडेंट्स बेटा एक बार करके देखिए, अदरवाइज आई वुड डेयर टू सॉल्व इट. एक बार आप एक मिनट लगा के देख लीजिएगा, तरीका ऑलमोस्ट सेम, ज्यादा फर्क नहीं है. एक बार बेटे दो मिनट लगा के देखिए सारे स्टूडेंट्स, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आई विल बी सॉल्विंग इट. दिया सॉल्व करके देखिए बेटे, सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, दो मिनट लगाइए, नहीं तो फिर मैं कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इतना लेंथी कंसेप्ट नहीं है. Try to follow this method बेटा, common लेकर करके देखिए, then easily हो जाएगा. Straight forward, bracket को मत eliminate करिएगा.
कॉमन लेके करिएगा, देन इट विल बी इजी। चलिए मैं करता हूं, आप चेक करिएगा साथ साथ अपना जो आपने किया है। इनको मैंने ए और बी को कंबाइन किया बेटा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये चीज को आप इक्वेशन नंबर वन से एक्स लिख सकते हो, वो देखिए एक्स इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, this is x into 1 plus minus delta a upon a and 1 plus minus delta b upon b, ye aapka cancel out ho gaya, aur 1 plus minus delta x upon x, ye bracket ab khol do, 1 plus minus delta b by b plus minus delta a by a plus minus delta a delta b upon a b, ये वन आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों बड़े छोटे छोटे फैक्टर्स हैं बेटा, इनका जब आप प्रोडक्ट लेकर इसको ए बी से डिवाइड करोगे इट विल बिकम वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल, इसको आप छोड़ सकते हो। सो आपके पास बन गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दिस इज प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज ऑल योर एरर्स विल प्रोपेगेट, और मैक्सिमम एरर आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रहेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी बेटे, ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, राइट बेटा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यान से, हमारा डिवीजन वाला रह गया फिर वो कल करेंगे, पावर्स वाला भी रह गया वो भी कल करेंगे, कल आपका एरर एनालिसिस जो है खत्म हो जाएगा, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह भी कल कंप्लीट कर लेंगे सारा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, आप कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, आप बता सकते हो एनीवन फ्रॉम योर साइड, अंजलि से लेकर ख्याति तक सारे बच्चे बैठे हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट है। ओके बेटे, हाँ जी बेटे,